एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मेरठ के ब्लॉक जानी खुर्द में स्थित काले नगर गांव पड़ा, जहां पर ग्रामीणों ने सुमरकली देवी को ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 5000 की आबादी वाले इस गांव की जिला मुख्यालय से दूरी 22 किलोमीटर तथा ब्लॉक से दूरी 9 किलोमीटर है। लगभग 1550 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी विद्यालय में लगभग 140 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। उच्च शिक्षा के लिए गाँव में जूनियर हाई स्कूल है ही नहीं, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। गाँव में 324 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 25 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 7 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 150 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व 10 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। इसी के साथ गांव में 2 सीसी टाइल्स रोड, 4 पुलिया, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 43 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में जूनियर हाई स्कूल, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 25 शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं संजीव सैनी, पुत्र प्रधान, सालनगर, ब्लॉक जानी और जिला मेरठ, डाकखाना मुजक्कीपुर और जिले मेरठ का लास्ट गांव पड़ता है। ठीक है, और इसमें समस्या एक तो मकानों की सबसे ज़्यादा, आवास बहुत कम है, मतलब खराब ज़्यादा हैं, उन आवासों की वो चाहिए। और कार्य करा दिया हमने, आंगनबाड़ी का कार्य कराया और स्कूल का कार्य कराया और पंचायत घर में कार्य कराया, दो खड़ंजे कराए, 3 और एक नाला बनवाया, जिस ये कार्य कराया हमने, लाइटें, सोलर लाइट लगाई 10 और एक अस्पताल की वो ज़्यादा वो है हमारे यहाँ, एक जूनियर हाई स्कूल।